क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत ने अपने दूसरे वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया और एक शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में धवन, रोहित और विराट के साथ कई अन्य खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, मगर सबकी नजरें बस महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी थी। और जब लोगों ने धोनी को बिना बलिदान बैज वाले ग्लव्स के साथ देखा तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर तो मैच के दौरान ही बुरी तरह उखड़ गए और कमेंट्री के दौरान ही गंभीर ने धोनी के समर्थन में आईसीसी को काफी बुरा भला कह दिया। तो आप भी गंभीर और धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही दोनों के लिए कमेंट करना ना भूलें। तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी कर 352 रन का विशालकाय स्कोर बनाया और जवाब में टीम इंडिया जब गेंदबाजी के लिए उतरी तो महेंद्र सिंह धोनी बिना बलिदान बैज वाले ग्लव्स के साथ मैदान में आए थे, जिसे देखकर फैंस गुस्से में आ गए। कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर ने भी आईसीसी को काफी कुछ कह दिया। गंभीर ने कहा कि आईसीसी का ये काम नहीं है कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या नहीं, इसे देखना, बल्कि आईसीसी पहले अपने मैच की पिचों को सही कर ले और क्रिकेट के डकवर्थ लुइस जैसे सबसे घटिया नियम को सही कर ले, फिर वो किसी के कपड़ों और बलिदान बैच पर बात करे। गंभीर ने कहा कि मैंने धोनी के साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेला है और धोनी का जैसा व्यक्तित्व है वो गलत नहीं हो सकते, जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया गया है। यानी गंभीर पूरी तरह से महेंद्र सिंह धोनी के समर्थन में आ गए और अब तो गंभीर की बात इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो केंद्र की मोदी सरकार में सांसद हैं और गंभीर की ताकत भी बढ़ गई है। अब गंभीर धोनी के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं तो जरूर कुछ बात होगी। तो आप भी धोनी और गंभीर को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ धोनी के आर्मी बैज और गंभीर के खतरनाक बयान पर कमेंट जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।